आज सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट शायद लगता है मुझे. आज मुझे एक अपना 14th कंटेस्टेंट ढूंढना है. मैंने तो सोच लिया है कि कौन है, बस अब रिवील करने की बारी है. आई होप आई एम मेकिंग द राइट चॉइस, फिंगर्स क्रॉस्ड. अभी ना जाओ छोड़ कर. नमस्कार. हमारी टीम बन चुकी है जी. अब ऐसी स्थिति आ गई है कि एक जगह खाली है. क्या कह तो रही मैं हो? आपको कहना चाहूंगी कि आप मेरे टीम में हैं. क्या ये सच है क्या? आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं बेटे, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक्स अ लॉट टू यू. थैंक यू. मैं अपनी खुशी का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मेरी बेटी ने मुझे चुना. उनकी आवाज में ही वो मेलोडी है, सॉफ्टनेस है, रोमांस है, दर्द है, और डेफिनेटली ही रिप्रेजेंट्स एक्स फैक्टर फॉर मी. कर्तार सिंह जी नमस्ते. नमस्ते. एक बार फिर आपका स्वागत है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा मैं. जी पूछिए. एक्स फैक्टर के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए थे, अभी एक्स फैक्टर के दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं और आप हमारे लाइव कॉन्सर्ट्स में पहुँच चुके हैं. कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एकदम मेरे लिए दरवाजे बंद होना और एक साथ खुल जाना, ये ऊपर वाले का करम है. मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आदित्य, इनकी खासियत भी ये है कि ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो ये मालूम नहीं पड़ता कि ये कितने खुश हैं. आपकी डिग्री खुशी की बता बताओ, ऐसे या ऐसे या ऐसी वाली खुशी कौन सी वाली है? हमेशा तो हंसते रहते हैं आप. जी हंसना मेरी फितरत है. जी हाँ. और खुशी मैं अपनी बता दूँ, मैं इतना खुश हूँ. अच्छा, इतनी खुशी हंसना आपकी फितरत है, इसीलिए देना उसकी कुदरत है. वाह वाह. कर्तार सिंह जी, यहाँ पर इतने दमदार ग्रुप्स हैं, सारे नौजवान हैं जो उम्र में वाकई में छोटे हैं, उनके साथ अब आपको लड़ना है और अच्छा सिंगिंग करनी, आप तैयार हैं? मैं लड़ने के मूड में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ करने के मूड में ज़रूर हूँ. बहुत बढ़िया. कर्तार सिंह जी को तो एकदम आखिरी पल में हीरो वाली एंट्री मिली. जाहिर है सारी दुनिया हमारी तरह बेचैन है अब इनको सुनने के लिए. कर्तार सिंह जी का 63 साल की उम्र में पहला लाइव कॉन्सर्ट, सुनिए इस ब्रेक के बाद. तो श्रेया जी आप बताइए, कर्तार सिंह जी का एक्स फैक्टर क्या है? हाँ आदित्य, कर्तार अंकल का एक्स फैक्टर मेरे हिसाब से उनकी आवाज़ की शोखी, उनकी आवाज़ में जो शराफत है वो, और जो पहले ऑडिशन के वक्त उन्होंने गाया था अभी ना जाओ छोड़कर, उसकी गूंज अभी तक हमारे दिलों में है. सो हियर आई प्रेजेंट यू कर्तार अंकल. दिल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए. प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को था पराए, दिन ढल जाए
भाई रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए करतार साहब जी आपको देखे मुझे एक लता जी का गाना याद आता है कौन सा जाना आएगा आने वाला वाह आपकी तकदीर आपको वापस इस मंच पे लेके आई और आपने अपनी जिंदगी के 63rd साल में आपने आके यहाँ पे जादू बिखेरा आपने बहुत बहुत शुक्रिया गॉड ब्लेस यू करता सब मतलब मैं आपको गॉड ब्लेस यू बोल नहीं सकता मतलब मुझे आपके पैर छूने चाहिए लेकिन अरे, 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 लेकिन आपको सुन के सच में आई फील एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड दैट यू आर देयर इन दिस शो और हम इस शो के पार्ट हैं वाह बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया करतार जी से मैं बात करने से पहले मैं चाहूँगा श्रेया से बात करूँ श्रेया आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे जब मोना जी ने कहा कि मैं नहीं आ सकती तो आपने करतार जी को ही क्यों चुना मैं सही मायने में ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये डिसीजन लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा सबसे पहला नाम और जो सबसे पहला गाना मुझे ऑडिशन से याद आया वो जो आवाज़ याद आई वो आपकी थी मैं कहना चाहूँगा श्रेया आपने बहुत बड़ी समझदारी दिखाई है एक्स फैक्टर वाकई में धन्य हो गया आपके यहाँ पर आने से बहुत ही बेहतरीन बहुत अच्छा क्या बात है करतार सिंह जी जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए सर बड़ा मज़ा आया आपको सुन के आज इस उम्र में आकर अपने सपने को सच होते हुए आप देख रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और सबसे अच्छा महसूस ये कर रहा हूँ कि मुझे संगीत की इस उम्र में आकर सेवा करने का मौका जो आप लोगों ने दिया है तो मैं बेहद खुश हूं कि मुझे आज इस प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिला सर ये जो सपना आपने देखा है वो आपने अकेले नहीं देखा है इतना हमें पता है एक खूबसूरत सी अच्छी सी जो है आपके साथ उन्होंने भी ये सपना देखा है ना जी वो सपना उन्हीं की वजह से इस सपने को मैं साकार कर पाया हूँ और वो हैं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विमलेश यादव वो हैं तो मैं हूँ और वो हैं तो मेरा गाना है वाह क्या लव स्टोरी है करतार सिंह जी को वोट करने के लिए SMS कीजिए XF स्पेस 1212 और भेज दीजिए 5252525 पर थैंक यू सो मच आने के लिए